जलाओ मैं कनीजी से कीना हूँ नहीं जानती कि बीबी ने मेरी कनीजी कबूल किया नहीं कि बसिन ना जानती हूँ कि बीबी चार बरस की थी और मैं भी चार बरस की हूँ और मेरी माँ ने मुझे इस उम्र से ही बीबी की कनीजी में थी। अजय दारो जिंदगी में कभी मुंह पे रुमाल लग के ना रोकर अजदारो जिंदगी में कभी मुंह पे रुमाल लग के ना रोया करो। पाँच में इमाम के घर जा भी मुंह पे रुमाल लग के रो रहा था, इमाम ने हाथ से रुमाल छीना और कहा कि जा रोता क्यों नहीं। इमाम जाबी ने रुमाल दिखाया, कहा मौला देखिए मेरा रुमाल गीला हो चुका है। मौला ने कहा वाह जाबी, मौला ने कहा वाह जाबी, लोना हुसैन को है और मुंह पर रुमाल। कहा मौला कैसी रो? मौला ने कहा वैसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोती है। हमदर्दी का सबसे छोटा लफ क्या हुआ? अब जिसके लिए मैं जो जो दुआएं ना वो मांग के जाना और मुझे सुनते जाना। सड़क पे कोई खड़ा हुआ रो रहा हो तो आप पूछेंगे क्या हुआ? किसी के घर से रोने की आवाजें आ रही हो तो आप पूछेंगे क्या हुआ? अम्मी अनीश का शेर सुनना, जब उसे हम अकेले रह गए तो तन्हाई में फरमा देते अब्बास मर गए हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ? मौला रुखसत होने लगे जुलझना चलाने का, जुलझना के थक गया है। का नहीं मौला ये नीचे देखे, अब जो शहर ने नीचे देखा तो नंदी सकीना छोटे छोटे हाथ जुलझना के कदमों पर रख के कहती है जुलझना मैं बाबा को ना ले जा, सुबह से जो भी जाता है ना वो वापस नहीं आता। हुसैन उतरे सकीना को गोद में उठाया, माता चूमा का सकीना तू जानती है ना मैं तुझे तहज्जुद की नमाज में मांगा था के सकीना तू जानते है ना मैंने तहज्जुद की नमाज मांगा था। परवरदिगार एक ऐसी बेटी दे दे जो मुझे चाहे मुझसे चाहूँ वो मैं बगैर न रह सकूँ। नन्नी सकीना बाप की गोद में तड़पी, काजा बिंदी दुआ उसे मांगा था तो छोड़ के तू जाते है। सकीना अल्लाह ने पूछा था कि पता कैसे चले था कि सकीना ज्यादा प्यारे है अल्लाह। तो मैंने कहा परवरदिगार दस मुहर्रम को अपना सकीना का प्यार तोड़ लेना, वो रोती दे देगी मुझे रोता छोड़कर तेरी बात। दादा जब शाम गरीब के बाद इस बच्ची को पानी मिलता था ना वो खुद नहीं पीती थी, अपनी बाई की जंजीरों पर डाल दिया करती थी। मैं मौला तरफ के कहता था सकीना तू खुद क्यों नहीं पीती? कहा भैया मैं तो फिर पी लूंगी, पहले तेरी जंजीर ठंडी हो जाए। जब सकीना अपने बाबा को याद करके रोती थी ना तो शाम के औरतों ने यजीद से शिकायत की कि यजीद कैदी बच्ची है जो बाबा बाबा करके रोती है, इसकी आवाज़ें सुनकर हमारे बच्चे सो नहीं पाते। ऐ यजीद इसको किसी ऐसे जिंदान में कैद करो कि इसकी आवाज़ें हमारे घरों तक न आ सके। दरबान सैयद सज्जाद के पास आया, कैदी जा मौला कहते क्या हुआ? कहते कितनी बहने हैं? मौला कहते चार, एक को मदीने में छोड़ आया, एक कर्बला में बेवा हो गए। कहा नहीं तेरी वो बहन जो बाबा बाबा बैठ के रोती है, यजीद ने इसके लिए अलहरा जी नाम का हुक्म दिया है। मैं मौला हाथों को जोड़ के कहता है कि
मोर सकीना खोटा जिंदान के पास है, पहला जिंदान है। सिपाही कहते अब तू खुद अंदर जा, मोर कहते तू खुद क्यों नहीं जाता। सिपाही कहते मुझे